हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स हमें वो लेना है जो यूज होता है फिजिक्स में। तो छोटे छोटे चीज़ों को देखेंगे पहले, जैसे कैलकुलेशन पहले देखते हैं। कैलकुलेशन, ठीक है, हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं ना, तो बहुत बार लेंथी प्रोसेस में चले जाते हैं। जैसे अब कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 24 × 1.33, तो 24 × 1.33 है, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 1.33 × 24, ये आ रहा है कितना, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, तो थोड़ा लेंथी भी हो सकता है। तो ऐसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग कर सकते हैं 4 × 3 = 1, फिर 4 × 12 = 3, 1 और 5, और ये हो गया 6, 6, 2, इट मीन्स 2, 9, है ना, एंड ये 1, 3, 31.92 ऐसा वैल्यू आ रहा है। तो थोड़ा प्रोसेस लग जाता है, लंबा हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स में कैलकुलेशन ऐसा आ जाता है, और मेडिकल वाले बच्चे को, नीट वाले बच्चे के लिए टाइम बहुत कम होता है। जेई वाले के लिए भी टाइम को लेकर अगर देखें तो उन्हें भी कैलकुलेशन आना चाहिए। तो इसके जगह पर हम ऐसे कर सकते हैं ना कि 24 × 1.33 को लिख सकते हैं 24 × 4/3, अब ये हो जाएगा 8, तो ये हो गया 32, तो अप्रॉक्स 32 ये सही है, है ना। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास एग्जांपल में ऐसा होता है कि एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे एग्जांपल में हमारे पास दिया हुआ है इवेल्युएट 1.33 × 27 लेते, तो कैलकुलेट अगर करेंगे ना तो ऐसे करना बेहतर होगा कि 1.33 को 4/3 लिखें इंटू 27, ये कैंसिल होगा 9 और 36, तो हम लोग ऑप्शन में ऐसा है 32, 36, ए बी सी दिया हुआ है 38 और डी दिया हुआ है 42, तो हम लोग 36 को टिक करेंगे, ये आंसर सही होगा। लेकिन सेम जगह पे अगर ऐसा ऑप्शन रहता है कि 35.91, है ना, 35.02, 36.02, 36.73, ऐसा, तो अब क्या करें, इस जगह पे ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी ये है, सी डी। तो हमें पता है कि 36 होगा अगर ऐसे कैलकुलेट किए तो, पर ऑप्शन दूर है तब तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि ऑप्शन में यहाँ पर हम 37 73 ना लेकर 30 ले रहे, क्योंकि हमें जो भी वैल्यू होना चाहिए 36 के पास होना चाहिए, है ना, ऐसा कुछ वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें पता है कि या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये ज़्यादा दूर हो जाता है 36, और भी दूसरे प्रोसेस से हम ये देखेंगे तो कहेंगे कि 1.33, तो 4/3 को क्या लिख सकते हैं, 1.33333333, और हमने इतने वाले टर्म को हटा दिया तो 1.33 लिखा। इसका मतलब कि 4/3 से किसी को मल्टीप्लाई किया जाए तो ज़्यादा वैल्यू आएगा, है ना, यहाँ पे ये 36 ज़्यादा आया है, अगर 1.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा कम आएगा, तो 36 से थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम, 36 से थोड़ा कम, ऐसे भी हमें लग रहा है ये आंसर हो, या नहीं तो अगर हम ये वाला आंसर लेते हैं तो ज़्यादा दूर हो जाता है, 35.02 अप्रॉक्स 35 आंसर हो जाएगा, 35 आंसर नहीं होगा ना, 36 के अप्रॉक्स होना चाहिए, ये आंसर सही है। तो डायरेक्ट दिमाग लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, टाइम बचता है, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1.33 × 27 ऐसा करना पड़ेगा,
और ये बहुत लेंथी हो जाएगा। और जेई हो या नीट हो, किसी भी बच्चे के लिए ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ज़्यादातर फिजिक्स में ऐसे ही ऑप्शंस होंगे। और अगर कभी ऐसा होता है तो हम लोग सोच सकते हैं कि 4/3 से थोड़ा कम होना चाहिए, मतलब 36 से थोड़ा कम वैल्यू, ये आंसर। और एक वैल्यू मैं बताता हूँ कि 7 × जब 3 कर रहे हैं यहाँ पे तो आ रहा है 21, फिर 7 × 3 21 3, ऐसे। तो अब जो भी वैल्यू आएंगे इधर लिखा जाएगा ना, तो लास्ट में 1 आना चाहिए। तो लास्ट में 1 कौन से ऑप्शन में? ये ऑप्शन। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें याद रखने चाहिए, तो उसे याद रखना ज़्यादा बेहतर होगा। तो जैसे क्या क्या चीज़ होना चाहिए, ये 1.33 इक्वल टू 4/3, 0.33 इक्वल टू 1/3, 0.66 अगर कहीं लिखा हुआ है, या 67 लिखा हुआ है, तो हम 2/3 कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। 0.6 है तो 0.6 को अगर हम ऐसे कहें कि पॉइंट हटा दो तो 6/10 हो रहा है, मतलब 3/5 लिखना ज़्यादा बेहतर हो सकता है कभी कभी। जैसे 0.6 × 125, हम इसे लिखेंगे ना 3/5 × 125, ये कैंसिल होगा, 25 मतलब 75, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें इजी कर सकता है बहुत जगह पे कैलकुलेशन में। तो हम लोग एक्टिव रहेंगे, कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर अभी आप कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं तो फ्यूचर में भी ऐसा लगेगा कि कैलकुलेटर पे डिपेंडेंट हो जाओगे, तो एग्ज़ाम में और टाइम टेकिंग हो सकता है वो। तो सॉल्व अगर हम करना चाहें कि क्वेश्चन एक दिया हुआ है 24/0.33, तो हम कहेंगे 24/1/3, तो 24 × 3 कितना? 72। अब सोचिए कि अगर हम ये कैलकुलेट करते तो कितना लंबा होता, है ना। तो ये सब चीज़ें कैलकुलेशन है, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये आप याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ कुछ चीज़ें इस तरह का वैल्यू और मिल जाएगा जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ेंगे, एक्टिव रहें बस। तो हम थोड़ा चलते हैं और इसमें आगे, एलजेब्रा एक्चुअली हमें पढ़ना है थोड़ा। तो एलजेब्रा में क्या है, एलजेब्रा इसमें क्या करना है, कुछ कुछ हमें पढ़ना है। जैसे पावर, पावर का कैलकुलेशन करते हैं, पावर का कैलकुलेशन करते हैं। तो हमें पता होता है ना कि a पे पावर m और a पे पावर n दिया हुआ है, तो a पे पावर m प्लस n होता है। अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। अगर a पे पावर m बाय a पे पावर n है, ये हो जाएगा a पे पावर m माइनस n, n, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा कि x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 7 या 3, तो ये क्या हो जाएगा, x पे पावर 7, क्योंकि ये बेस सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाना चाहिए। गलत, बिल्कुल ऐड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है। जब मल्टीप्लाई रहता है ना तब पावर ऐड होता है, और डिवीजन होता है तो पावर माइनस होता है। यहाँ पर ये खुद ऐड है तो ये गलत हो जाएगा। अगर ऐसा होता है x पे पावर 4 इंटू x पे पावर 3, तो ये होता है x पे पावर 7, 3 + 4 = 7, याद रहेगा। मतलब 10² + 10³, तो हम ये नहीं कह सकते 10⁵, गलत हो जाएगा। या ये भी नहीं कह सकते 10⁶, बहुत लोग कहते हैं नहीं 10⁶ हो जाएगा। मैं ही क्लास ले रहा था तो उसमें कुछ बच्चे बोल रहे थे नहीं 10⁶, तो ये गलत है। ऐड में कुछ नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ ना कि 10⁻² मतलब 100 प्लस 10⁻³ का मतलब 1000, मतलब ये हो जाएगा 1100, मतलब 11 × 10⁻² हो रहा है, तो ये दोनों गलत है। हाँ, अगर ऐसा होता कि 10⁻² × 10⁻³, तो ये कहते 10⁵,
पावर ऐड होता है। और कुछ समझते हैं कि ए पे पावर एम है, उस पे पावर एन है, तो पावर पे पावर हो रहा है तो हम कह सकते हैं एम इंटू एन, मतलब ए पे पावर एम एन, एम इंटू एन, तो हम कह सकते हैं 10^3 या 2 पे पावर 2, तो कहेंगे 2 पे पावर 6। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लें, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 है 6, तो 4 8 है ना, 8 × 2 = 16 × 2 = 32 × 2 = 64। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब प्रॉब्लम होती हैं। अच्छा, अब आते हैं कि कुछ कहीं पे ऐसे लिखा रहता है, यहाँ पे कुछ n है, a पे पावर ऐसा कुछ, इसका मतलब होता है a पे पावर 1/n। ये नहीं कहिएगा आप इसको कि n इंटू रूट ए, ये गलत हो जाएगा, ये अलग है, ये चीज़ अलग है। हम अगर ऐसा लिखा हुआ है का मतलब ये है कि n इंटू ए पे पावर 1/2, पर अगर कहीं इस तरह लिखा हुआ है ना ये, तो इसका वैल्यू ये होगा a पे पावर 1/n। ठीक है, अच्छा, तो हम इसको सॉल्व भी करते हैं, जैसे कि ऐसा लिखा हुआ 3, मतलब क्यूब रूट हो रहा है यहाँ पे 3 लिखने का मतलब, तो 8 पे पावर 1/3 का मतलब ये है कि 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 पे पावर 1/3, यही है ना, तो 2 पे पावर 3 × 1/3 मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर पे पावर होता है तो ये बन गया 2। तो ये सब चीज़ें आपको दिक्कत करती हैं, एक्स पे पावर 4 का ये 5 है, मतलब एक्स पे पावर 4 पे पावर 1/5, मतलब एक्स पे पावर 4/5। ठीक है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, अब कुछ पावर ऑफ 10 में चलते हैं, 10 का पावर कुछ है, पावर ऑफ 10 ऑफ 10 10, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है कि अगर आप पावर ऑफ 10 करते हैं ना, तो 10^8 लिखा हुआ है, तो हम 10 × 10^7 भी लिख सकते हैं, 10 एक बाहर निकाल लिए, है ना। अच्छा, 10^8 लिखा हुआ था, हम ये भी लिख सकते हैं 0.1 × 10^9, ऐसा हो सकता है। जैसे हम मान कर चलते हैं कि 10^4/2 लिखा हुआ है, सॉल्व कैसे करें, तो करेंगे क्या कि 10^4 से एक 10 बाहर निकाल लिए, 10^3 हो जाए और 2 नीचे था, कितना हो गया, ये ए हो गया 5 × 10^3। या नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमको ऐसे ही सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे ना, 10^4/2 है ना, उसमें 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक, ये 10/2 हुआ इंटू 10^4/10, 10/2 5/10 × 10^4, मतलब 0.5 × 10^4। ठीक है, या ये 5 × 10^4/10, तो ये पावर यहाँ पर 1 है, दोनों का बेस सेम है तो पावर घट जाएगा 5 × 10^3, मतलब इससे हम इतना भी लिख सकते हैं। तो ये सब कैलकुलेशन का मेथड है जो यूज करते हैं हम लोग, तो कैलकुलेशन तो आप लोग को पता ही है और सीखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। हम लोग थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, है ना, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक
इक्वेशन ठीक है। तो रूट कैसे निकालते हैं, जैसे ए एक्स पे पावर टू प्लस बी एक्स प्लस सी, टेंथ में नाइन्थ में पढ़ा हुआ ये सब चीज़। तो रूट्स निकालते हैं, एक्स का वैल्यू आता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, जिसमें दो रूट आ रहा है, एक प्लस में एक माइनस में। तो दो रूट अगर आ रहा है तो एक को कहते हैं अल्फ़ा, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। एक आता है बीटा, जिसका वैल्यू होगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, है ना, ये होता है। और कंडीशन ये होता है ना कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बड़ा होना चाहिए जीरो से या बराबर भी होना चाहिए, तो भी कंडीशन हो सकता है ऐसा, क्योंकि ये अंदर का इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, अंदर में निगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए। निगेटिव ऑफ माइनस वन आयोटा के फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर में आ जाता है, वो सब हमें नहीं पढ़ना है ना, फिजिक्स में उतना ज़्यादा नहीं चलेंगे अभी। तो एक और टर्म है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बाई ए, ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग ठीक है। तो एक क्वेश्चन देते हैं, उसे आप सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं एक सॉल्व करके बता देता हूँ, फिर आप लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें। कैसे करेंगे, तो हम लोग या तो इसे डिवाइड करेंगे ऐसे फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, और x कॉमन x माइनस टू और माइनस वन कॉमन तो x माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो x माइनस टू कॉमन आएगा तो x माइनस वन बचेगा अंदर, और x इक्वल टू वन और टू आ रहा है, जैसा आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। और हम लोग इस फॉर्मेट में भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो अल्टरनेटिव मेथड x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। तो x का वैल्यू कितना हो रहा है, सॉरी x का वैल्यू, हाँ x का वैल्यू हो रहा है, b का वैल्यू कितना है माइनस थ्री, क्योंकि यहाँ पर सब प्लस में था, है ना, अब माइनस बीच में आ गया तो उसे लेना पड़ेगा, तो माइनस थ्री होगा। तो माइनस थ्री प्लस माइनस रूट अंडर माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू वन है, एक्स स्क्वायर का जो मैग्नीट्यूड था ना यहाँ वही a है, तो फोर ए सी, तो हम कहेंगे फोर इंटू वन इंटू सी का वैल्यू टू है, आप चेक कर सकते हैं, ये है c, है ना, ये c रहा है। तो बाय टू इंटू a, a का वैल्यू कितना वन, तो x का वैल्यू आ रहा है थ्री प्लस माइनस रूट अंडर नाइन माइनस एट बाय टू। तो देखेंगे x का वैल्यू आएगा थ्री, नाइन माइनस एट वन, वन का रूट वन होगा, तो प्लस माइनस वन बाई टू। ये सॉल्व करेंगे ना तो फोर बाई टू, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो आएगा फोर बाई टू, मतलब थ्री प्लस वन बाई टू या थ्री माइनस वन बाई टू, एक माइनस वाला टर्म एक प्लस वाला टर्म होगा, और थ्री प्लस वन बाई टू दो टर्म आ रहे हैं, तो x का वैल्यू आएंगे टू बाई टू और फोर बाई टू, तो आ रहा है वन और टू, जो यहाँ पे आया था वैल्यू वही चीज़ यहाँ पे भी आ रहा है, तो x का वैल्यू हो गया वन टू। तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि कितना वैल्यू आया है ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, टेन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी सेवन एक्स प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो, इसे सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि कितना वैल्यू आ रहा है ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। कोशिश यही है कि कमेंट करके आप बताएं, हम बताएंगे कि उसका आंसर कितना है ठीक है। चलते हैं आगे, अब
डिटर्मिनांट में, डिटर्मिनांट, डिटर्मिनांट्स का एक सिर्फ सिंपल सा एप्लीकेशन है जो वेक्टर में थोड़ा यूज होगा और क्रॉस प्रोडक्ट में ज़्यादातर यूज होता है, सॉल्व कैसे करते हैं। तो एक्चुअली है ना कि हमें ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, छोटे छोटे चीज़ें पढ़नी हैं, जैसे सॉल्व अगर करना हो तो ऐसे सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट इस फॉर्मेट में रहते हैं, a1, a2, b1, b2, बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, तो a1 b2 मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a2 b1 हो गया आंसर। और कुछ नहीं करना है, ये 2x2 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में जो भी कहें, ठीक है, ये 2x2 के फॉर्मेट में, मतलब दो इधर रो कॉलम दोनों दो दो है। तो अगर क्वेश्चन अगर ऐसा है कि 2, 3, 1, 4 सॉल्व करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 into 2, 2 into 4, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 1, 3 into 1, कितना आ रहा है, 8 minus 3, 5 आंसर। ये 2x2 था, अभी 3x3, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा नंबर्स होते हैं 3x3, इसमें 4 नंबर है वहाँ 9 हो जाएंगे। 3x3 मतलब 3 row 3 columns होंगे, तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए हमें ये ध्यान होना चाहिए एक चीज़ कि ध्यान देना, 2x2 जो होगा ना वो प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसा होता है, यहाँ पर जो रहेगा वैल्यू वो प्लस लेंगे, यहाँ रहेगा जो माइनस लेंगे, फिर इधर माइनस इधर प्लस, तो ये हो गया प्लस माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये 2x2 ऐसा लिया जाता है। क्या है इसका मतलब, क्यों ये लिखे हैं, ये भी मैं बताऊंगा, पर अभी ये समझ लें कि 3x3 रहेगा तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब यहाँ जो रहेगा वो प्लस, मतलब ये प्लस, ये माइनस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये प्लस, इस फॉर्मेट में लिया जाता है। क्या यूज है इसका ये पता चल जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व अगर करना है ना तो हमें इसकी मदद लेनी पड़ेगी, तो पहला है प्लस, तो प्लस है तो क्या होगा, ये a1 आगे प्लस लिखा हुआ, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है क्योंकि यहाँ पे प्लस, ठीक है। और a1 का जो रो कॉलम है दोनों को ढक दो, इसे ढक दो, ढक दो फिंगर से, ठीक है। क्या बचा, b2 b3 c2 c3, तो जो बचा ना उसे रखेंगे सिर्फ, क्या बचा, b2 b3 c2 c3, ठीक है। नेक्स्ट ये लिए, नेक्स्ट लेंगे किसी एक रो या कॉलम को लेना है, अब ये लिए a2, तो a2 का पोजीशन क्या है, माइनस में, तो माइनस लिया जाएगा, a2 का पोजीशन माइनस है तो माइनस a2, और a2 का रो कॉलम को ढक दो, ठीक है। क्या बचा, b1 b3 c1 c2 c3, तो b1 b3 c1 c3, तो यहाँ पर लिखेंगे b1 b3 c1 c3 प्लस। अब बचा a3, a3 का पोजीशन क्या है यहाँ पर, प्लस में, तो प्लस a3, और फिर इन दोनों को ढक दो, क्या बचेगा, b1 b2 c1 c2, तो b1 b2 c1 c2, और अब इसे सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करते हैं, 2x2 मैट्रिक्स बताया ना, कैसे,
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे करेंगे कैसे, ए वन इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस करो, तो बी टू बी थ्री सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू, फिर माइनस ए टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस करके, तो बी वन सी थ्री माइनस बी थ्री सी वन, फिर इसमें आ जाओ प्लस ए थ्री, और क्या हो जाएगा बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन। तो किसी को लग रहा होगा कि सर ये हम लोग ये वाला लिए पहले ए वन फिर ए टू फिर ए थ्री, देखो पहले ए वन लिए फिर ए टू लिए फिर ए थ्री लिए, लग रहा होगा कि सर यही क्यों लिए, ये हम ऐसे भी क्यों नहीं ले सकते थे, तो ले सकते थे कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे चाहते हो सॉल्व करना कर सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन करते हैं, टू वन थ्री फोर टू कुछ ले लो फाइव, फाइव थोड़ा लंबा बड़ा हो जाएगा कोई बात नहीं उसे, है ना, थ्री टू फोर, अच्छा थ्री अगर नहीं लेना चाहते हैं आप तो नहीं लें, क्योंकि कॉर्नर में लग रहा है कि एक जैसा इधर भी थ्री है तो उधर भी थ्री क्यों लें, तो फाइव ले लेते हैं, चलो फाइव या वन ले लेते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा बड़ा टर्म इसलिए नहीं ले रहा हूँ ना, कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत हो, ऐसे सॉल्व करते हैं। दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहले टू को लेते हैं, टू इंटू क्या बचा इधर, ये चारों बचा ना, चारों बचा तो चार इंटू सॉरी टू फाइव टू फोर, फिर ये लेंगे माइनस वन, क्या बचेगा ये दोनों और ये दोनों, फोर वन फाइव फोर, फिर थ्री लेते हैं प्लस थ्री, तो क्या बचा ये और ये, फोर वन टू टू, फोर वन टू टू। अब सॉल्व करो इसे, टू इंटू एट माइनस टेन, है ना, मल्टीप्लाई किया ऐसे और ऐसे, माइनस वन फोर इंटू फोर सिक्सटीन माइनस फाइव प्लस थ्री इंटू एट माइनस टू, ये हो गया टू इंटू माइनस टू माइनस, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस करेंगे तो एलेवन प्लस थ्री इंटू टू, ये आ रहा है माइनस फोर माइनस एलेवन प्लस सिक्स, ठीक है, तो ये आएगा फाइव, तो माइनस नाइन आंसर आ रहा है। तो किसी को लग रहा था नहीं सर हम तो ऐसे लेना चाह रहे थे, तो लेकर देखो भाई आ रहा है या नहीं, लो जरूर लो, टू फोर वन वन टू टू और थ्री फाइव फोर, थ्री फाइव फोर, और देखो जरूर देखो कि आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर ऐसे ही नहीं तुम ये भी ले सकते थे, तुम ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, कोई भी टर्म लिया जा सकता है, तो करो सॉल्व, टू 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 फाइव फोर, ठीक है, माइनस ये माइनस टर्म है पता है ना, देख लो देखो माइनस है ना, फोर का टर्म यहाँ माइनस थी, तो माइनस फोर, और ये दोनों ढकेंगे तो क्या होगा, वन थ्री टू फोर, वन थ्री टू फोर, वन थ्री टू फोर, और प्लस वन लिया जाएगा तो वन, और वन जब लेंगे तो ढकेंगे तो वन थ्री टू फाइव, वन थ्री टू फाइव, तो ये हो जाएगा टू एट माइनस टेन माइनस फोर, फोर माइनस सिक्स प्लस फाइव माइनस सिक्स, कितने ही आ रहा है, तो टू इंटू माइनस टू माइनस फोर इंटू माइनस टू प्लस या माइनस प्लस माइनस वन, ये कर सकते हैं, ठीक है, माइनस फोर प्लस यहाँ पे माइनस था
ठीक है, और ये 6 माइनस माइनस 1 तो कितना आ रहा है, ये 8 माइनस 1 कितना आ रहा है सॉल्व करने पे, सॉल्व करो इसे, ये आ रहा है -5 और ये 3 आ रहा है, क्या ये आंसर? अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रहा है, तो गड़बड़ हम लोग किए हुए हैं ना, यहाँ पे 4 और 5 बचा था, 11 4 16 और 4, अच्छा कुछ गड़बड़ सॉल्व करने में हुआ होगा क्योंकि वैल्यू सेम आनी चाहिए, -2 × 2 -4 11 × 6 तो -5 आ रहा है, -9 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 8, तो कुछ गड़बड़ होगा, हो सकता है। अच्छा एक बार फिर से देख लेते हैं, ये 2 × 2 = 5 4 8 10 ठीक है, 4 लेते हैं माइनस में, -4 ठीक है, तो बचा 1 3 2 4 1 3 2 4, तो 4 × 1 4 और 3 × 2 6। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग वैल्यू सेम ही लिया, हाँ ठीक है, अब फिर लास्ट बचा 1 1 प्लस में रहेगा, 1 × तो 1 लेते हैं तो 1 3 2 5 1 3 2 5 ठीक है, 5 × 1 5 -3 × 2 6, तो उसके बाद फिर ये हो गया 8 - 2, सब सही है ना, इसका मतलब पहले वाला ही गलत है, इसी में कुछ गड़बड़ हुआ था, तो चलो इसी में देख लेते हैं, 2 2 2 4 5 ठीक है, 1 - 1 ये लिए तो 4 5 1 4 ठीक है, 16 - 5 और लास्ट बचा +3, तो ये दोनों लेंगे तो कितना होगा, 4 1 2 2 4 1 2 2 लिए तो 3 × 4 × अच्छा तो देखो यहाँ पे हम लोग गड़बड़ किए ना, कि 8 - 2 कितना आ रहा है, 8 - 2 आ रहा है 6, तो ये हो जाएगा 18 18। तो अब देखो दोनों को सॉल्व करने के बाद 3 आ रहा है क्या प्लस में, तो इसका मतलब हम लोग का कैलकुलेशन गड़बड़ था, आया सेम, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इस तरह का कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था, ठीक है। 8 - 2 2 किसी एंगल से नहीं होगा ना, यहाँ पे हम लोग गड़बड़ कर लिए थे, चलो ठीक है, तो तुम लोग अब निकालोगे और उसका वैल्यू बताओगे, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ठीक है, चलो लिखो इसे, 2 1 3 1 4 2 3 2 4, देखो ईजी सा दिया हो, आप इसे सॉल्व करके आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स, दो दो क्वेश्चन हो गया ना, आप बोलोगे कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आ रहा है इसका वो आ रहा है इतना, एक्स का वैल्यू दो दो आएंगे, वैसे लिखोगे कमेंट में, और मैट्रिक्स वाला सर उसका, मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट वाला सर उसका आंसर ये आ रहा है, ऐसे आप बताओगे, ठीक है। अब आते हैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी और जीपी, ये थोड़ा समझ में आया, एपी और जीपी, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो चलो मेट्रिक मेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो ये एक सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस है नंबर का जो अरेंज रहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये हो सकता है बढ़ रहा होगा कुछ वैल्यूज है ना, एंड टर्म तक दिया हुआ होगा, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल सीधा लेकर चलता हूँ मैं, ऐसा कुछ एग्जांपल है कि क्या है कि ऐसा दिया हुआ है 1 3 5 7 9 11 ऐसा कुछ है, तो देखो दोनों के बीच का डिफरेंस 2 2 2 2 2
कॉमन डिफरेंस सबके बीच दो 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 है, या कोई एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं कि 4, 6, 10, 14 है ना, ऐसा हो सकता है, सब में 4, 4, 4, 4 बढ़ रहा है ऐसा, तो सबके बीच का कॉमन डिफरेंस 4 है, तो रेगुलर सीक्वेंस में किसी सीक्वेंस में बढ़ रहा होगा 4, तो 4, 4, 4, 4 सब में बढ़ रहा होगा, है ना। जैसे मान लो कि पहला टर्म ए नॉट है, तो दूसरा टर्म जो होगा वो ए प्लस डी होगा, तो तीसरा क्या होगा, ए प्लस डी 2D, फिर ए नॉट था ना पहला, ए नॉट प्लस 2D प्लस डी 3D हो जाएगा, वैसे ही बढ़ता चला जाएगा, तो सब में डी बढ़ रहा है, डी ऐड होता जा रहा है, तो ये हो गया तो हमारा AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP बोलते हैं। तो अगर AP को हम ऐड करना चाहें किसी को, तो उसका फॉर्मूला होता है या NS टर्म का फॉर्मूला होगा, जैसे मान लें कि हमें दिया हुआ है 1 क्वेश्चन, वही पहला वाला लेते हैं या दूसरा लेते हैं, 2, 5, 8, 11, 14 ऐसा कह रहा है कि 10th टर्म क्या होगा, तो ये ए नॉट हो गया पहला टर्म, तो हमें an चाहिए, मतलब nth टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये nth टर्म, ठीक है, तो an मतलब nth टर्म चाहिए, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू ए नॉट एन माइनस वन इंटू डी, ए नॉट प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे यहाँ पे देखें, पहला टर्म क्या है, ए नॉट, दूसरा टर्म में ए नॉट इंटू डी, ए नॉट प्लस डी, तीसरे टर्म में ए नॉट इंटू टू डी, तीसरा टर्म है ए नॉट प्लस टू डी, चौथा टर्म है ये फोर्थ टर्म ए नॉट प्लस 3D, पाँचवा होता तो ए नॉट प्लस 4D, ये पाँचवा टर्म होता है, छठा होता तो ए नॉट प्लस 5D, तो एक कम होगा ना, तो nth टर्म अगर निकालना होगा तो ए नॉट माइनस 1 इंटू डी होगा, तो ये फॉर्मूला होता है nth टर्म का। तो दसवा टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, an मतलब a10 कह सकते हैं, यहाँ पर n का वैल्यू कितना 10, इक्वल टू ए नॉट का वैल्यू 2 है पहला टर्म, प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, मतलब होता है कि दो कंजिक्यूटिव नंबर्स के डिफरेंस, मतलब 5 माइनस 2 3, या 8 माइनस 5 3, या 11 माइनस 8 3, 14 माइनस 3 11 3, तो वही हुआ कॉमन डिफरेंस, मतलब 3 कितना आ रहा है, 2 प्लस 9 इंटू 3 27 प्लस 2 29 आंसर 18। अब बोलता है नहीं हमें ये बताओ कि 10 तक ऐड करना है पूरा, तो क्या फॉर्मूला होगा 10 तक, 2 प्लस 5 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14, तो सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उस पूरे का सम कितने टर्म तक, लास्ट n टर्म तक या 10th टर्म तक, तो Sn n टर्म तक अगर ऐड करना है तो Sn इक्वल टू होता है n by 2 2 a0 plus n minus 1 into d, ये फॉर्मूला होगा, या हम कह सकते हैं कि n by 2, एक a0 यहाँ पे रहने दो और एक a0 इसमें चला जाएगा, a0 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो होता है an, an का वैल्यू यही होता है ना, a0 n माइनस, तो वही हो गया, दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हमें निकालना है, तो n का वैल्यू 10 तक निकालना था, 2 इंटू 2 2 ही है ना, 2 इंटू a0 2 है, हाँ, प्लस 10th निकालना है, 10 माइनस 1 इंटू डी है 3, तो ये हो गया 5, और 4 प्लस 9 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 5, और 4 प्लस 27 31 इंटू 5 5 इंटू 12 31,
हाँ ठीक है, क्या बात है, 5 × 31 कितना आ रहा है, 151। ऐसा ऐसे भी निकाल सकते थे हम लोग ये फॉर्मूला से, एस एन इक्वल टू एन बाई टू मतलब 10/2, ए एन का वैल्यू 2 है और ए एन का वैल्यू 29 है, अभी जस्ट निकाले, तो ये हो गया 5 × 31 मतलब एस एन का वैल्यू 151 155। सॉरी थोड़ा सा, जानते हो कि मुझे तो कैलकुलेशन आता नहीं है तो थोड़ा सा गड़बड़ होता है, आप लोग को मुझसे ज़्यादा बेहतर आता है। ठीक है, तो ये अप्लाई करें। अब आते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि टू, टू के बाद आ रहा है 6, फिर 18, फिर 54, ऐसा। ये एग्जांपल, मतलब यहाँ पर मल्टीपल होता चला जाता है सक्सेसिव टर्म में, जैसे 2 × 3 वहाँ पे ऐड करना पड़ रहा था, यहाँ पे क्या था, 2 + 3 5 5 + 3 8 8 + 3 11 ऐड कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है 2 × 3 6 6 × 3 18 18 × 3 54, तो यहाँ पर ऐड होता जाता है हमेशा, है ना। तो यहाँ पे भी हमें निकाल सकते हैं nth टर्म या सम ऑफ टर्म ऐसा कुछ। तो यहाँ पर होता क्या है ना कि 18/6 जितना होगा उतना ही 6/2 होगा, या उतना ही 54/18 कह सकते हैं, है ना। तो एक साथ लिखें तो 54/18 कह सकते हैं, तो रेगुलर जो भी कंजिक्यूटिव नंबर्स होंगे उनका रेशियो बराबर होगा। तो हम यहाँ पे सीक्वेंस अगर लिखना चाहें तो ए नॉट, फिर ए नॉट इंटू आर कॉमन रेशियो, फिर ए नॉट इंटू आर पे पावर 2, सब में आर मल्टीप्लाई होता जाएगा, ए नॉट इंटू आर पे पावर 3। तो फर्स्ट टर्म में ए नॉट, सेकेंड टर्म ए नॉट इंटू आर, थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, तो फिफ्थ अगर निकालना होता तो ए नॉट आर पे पावर 4 हो जाता ना फिफ्थ का, सिक्स्थ का ए नॉट इंटू आर पे पावर 5। मतलब अगर एनएस टर्म निकालना हो तो ये हो जाएगा ए एन इक्वल टू ए नॉट आर पे पावर एन माइनस 1। ठीक है, जैसे ऐसे दिया हुआ है 1 हो, 2 से लेते हैं तो 2 4 8 16 32, ऐसे यहाँ भी कहे एन टेंथ टर्म निकालो, टेंथ दसवां टर्म, तो दसवां 10 नंबर ऑफ टर्म वाला निकालना है टेंथ टर्म, तो ए 10 इक्वल टू 2 × r, कॉमन रेशियो निकालना पड़ेगा, r क्या है, कॉमन रेशियो, वहाँ पे कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पे कॉमन रेशियो है, तो r इक्वल टू 4/2 करेंगे या 8/4 करेंगे या 16/8 करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे या इन दोनों का कॉमन रेशियो निकालना जो है, तो r इक्वल टू कितना आ रहा है 2, तो 2 पे पावर n माइनस 1 मतलब 10-1, ये 2 × 2 पे पावर 9। अब सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, मतलब 2 पे पावर 10 हो गया सीधा, 2 × 2 × 2 करते चलो। अब आगे चलते हैं, अब हमें एस एन निकालना हो तो एस एन का अलग अलग फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है ए नॉट एस एन इक्वल टू ए नॉट आर पे पावर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1। ये होगा जब आर का वैल्यू ज़्यादा होगा 1 से, ज़्यादा, तो आर का वैल्यू ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, टेंथ टर्म निकालना है तो 2 × r पे पावर 10 मतलब 2 पे पावर 10 माइनस 1/2 - 1 सॉल्व, ऐसा 10 तक ऐड कर दिया, एन का वैल्यू 10, लेकिन
अगर कुछ ऐसे वैल्यू होते हैं 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, तो यहाँ पर r का वैल्यू जो होगा ना 1/4 / 1/2 कॉमन रेशियो, देखो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, या दिस बाय दिस, या दिस बाय दिस, है ना। तो ऐसा होता है, तो कॉमन रेशियो r से छोटा है, तो एस एन का वैल्यू हो जाएगा ए नॉट 1 - r पे पावर n बाय 1 - r, उल्टा हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे क्या होगा, r लेस देन 1, इफ r लेस देन 1, यहाँ पे इफ r ग्रेटर देन 1। एक और कंडीशन होता है कि इनफाइनाइट टर्म हो, यहाँ पे काउंटेबल होना चाहिए, काउंटेबल टर्म होना चाहिए, n का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर n का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया, इनफाइनाइट टर्म तक बोल रहा है सम करने, जोड़ना है सम, तो एस एन इक्वल टू ए नॉट बाय 1 - r, और यहाँ पे भी एफ आर लेस देन 1 ही होगा, इनफाइनाइट के लिए लेस देन 1 वाला टर्म में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे, कुछ चीज़ें छोटी छोटी हैं जो हमें समझ लेना ज़रूरी है, फैक्टोरियल निकालना, बाइनोमियल एक्सप्रेशन निकालना और अप्रोक्सीमेशन निकालना, ठीक है, इतनी चीज़ें हमें जान लेना है, उसके बाद फिर आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाएंगे। तो फैक्टोरियल क्या होता है, आगे आते हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है, तो फैक्टोरियल को अगर कहें ना, तो फैक्टोरियल एक पॉजिटिव इंटीग्रल हो नंबर को इन मल्टीप्लाई करता चला जाता है। फैक्टोरियल इज, इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर ए पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, नंबर नंबर पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, जैसे मान लो कि n है, तो फैक्टोरियल को डिनोट करते हैं ऐसे, n लिखा हुआ है ये, या ऐसे भी डिनोट करते हैं ये फैक्टोरियल लिखने का, तो इसका वैल्यू हो जाएगा n इंटू, घटाते चलो एक, n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 इंटू, घटाते जाएंगे, लास्ट में घटकर 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे एग्जांपल हम लेंगे तो समझ में आ जाएगा, अगर 8 फैक्टोरियल है, या 8 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 5 है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 6 है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, ये होता है फैक्टोरियल, ये इजी सा चीज़ है, कुछ ज़्यादा नहीं। अब आते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, है ना। तो वैसे बहुत कुछ पढ़ना है बाइनोमियल एक्सपेंशन में, लेकिन हमें थोड़े थोड़े चीज़, छोटे छोटे चीज़ समझना है सर, है ना। एक्सपेंशन में सीरीज एक्सपेंशन होता है, सीरीज एक्सपेंशन, जो सीरीज एक्सपेंशन हम समझते हैं बहुत का होता है, हम बाइनोमियल एक्सपेंशन में सीरीज एक्सपेंशन एक सिर्फ पावर का लेकर चलते हैं, सिर्फ पावर को समझते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो तुम जानते हो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यूब है तो भी जानते हो ए पे पावर 3 प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और ए प्लस बी पे पावर 4 हो तो तब तो हमें नहीं पता, ये कहता हूँ ना नहीं पता सर, यहाँ तक तो रटे थे, पर रटने की ज़रूरत अब नहीं है, ए पे पावर 4 प्लस
फोर ए स्क्वायर बी फोर ए क्यूब बी प्लस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी क्यूब प्लस बी पे पावर फोर। बोलोगे कैसे लिख दिए सर, कैसे लिखे? उसके लिए जो है ना, जो आई बटन है ना साइड में इधर, उस पर जाके देख लो, अभी लिंक आ रहा होगा, उस पर जाके देख लो। ये मैं एक बना चुका हूँ, इस पर लेक्चर दे चुका हूँ कैसे लिखना। ए प्लस बी पे पावर फाइव, ए प्लस बी पे पावर सिक्स, कुछ भी निकाल सकते हैं शॉर्ट टर्म में, वो आप वहाँ पर जाकर देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, हमारी टाइम भी बच जाएंगे, ठीक है। तो सीरीज एक्सपेंशन में हम थोड़ा सा इसी का पावर अगर लेकर चलें, सीरीज एक्सपेंशन में ठीक है, सीरीज एक्सपेंशन इसमें अगर हम थोड़ा पावर लेकर चलें कि a प्लस बी पे पावर n है, तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं a पे पावर n प्लस n बाय वन फैक्टोरियल a पे पावर n माइनस वन बी प्लस n इंटू n माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल a पे पावर n माइनस टू बी स्क्वायर प्लस, और भी लिख दो तो प्लस n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू बाय थ्री फैक्टोरियल a पे पावर n माइनस थ्री बी क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट, यही होता है। लेकिन हमें ना कुछ समझना है बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, इसीलिए ये पढ़ रहा हूँ और कुछ नहीं। जैसे वन प्लस एक्स पे पावर स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू क्या है, वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। वन प्लस एक्स पे पावर थ्री है तो क्या हो जाएगा, वन प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, सॉल्व करके देख लो अपने, ठीक है। तो अगर वन प्लस के जगह पे माइनस कर दे तो पता है जहाँ पे एक्स का पावर इवन होगा वहाँ पॉजिटिव, जहाँ ऑड होगा वहाँ निगेटिव, मतलब समझो वन प्लस फोर एक्स, यहाँ से देखेंगे फोर एक्स, ए की जगह वन रखना है बी की जगह एक्स रखना है, तो एक्स का पावर जहाँ पे, एक्स मतलब क्या है, बी है, बी एक्स है वहाँ पे, तो ये जो बी है ना वही एक्स है, तो जहाँ पर ऑड रहेगा एक्स का पावर वही होगा, तो ऑड फोर एक्स, ऑड है ना, एक्स पावर वन है प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स पे पावर फोर, ये हो जाएगा। तो देखो एक्स पे पावर जहाँ ऑड होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं ना वन प्लस माइनस एक्स का पावर फोर, तो ऐसा लिखना था वन प्लस फोर माइनस एक्स प्लस सिक्स इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस फोर इंटू माइनस एक्स का क्यूब प्लस माइनस एक्स पे पावर फोर, ये हो जाएगा वन माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स पे पावर फोर, समझ में आ रही बात, ऐसा वैल्यू हो जाएगा, ऐसे ही निकालेंगे सर। तो अगर हम यहाँ पे कहें वन माइनस एक्स पे पावर थ्री, तो वैसे ही सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट कह देते हैं वन माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर थ्री, जहाँ ऑड होगा वहाँ माइनस, यही समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसी में हम लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है आगे कि अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है, अप्रोक्स वैल्यू लेना, मतलब वन प्लस एक्स पे पावर टू है ना,
और एक्स वेरी वेरी लेस देन वन होना चाहिए, बहुत बहुत छोटा होना चाहिए, किससे, वन से, बहुत छोटा। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, क्या होता है, वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू बहुत छोटा है, मतलब एक्स का वैल्यू मान लो 0.01, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 0.0001, ऐसा कुछ जो भी हो। तो ये एक्स स्क्वायर जीरो नहीं हो गया, एकदम जीरो के लगभग बराबर, मतलब वन प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वन प्लस टू इंटू एक्स लिख सकते हैं, है ना, वन प्लस या माइनस जो भी, एक्स पे पावर थ्री करेंगे तो आएगा वन प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब एक्स का वैल्यू कितना है, 0.01, एक्स स्क्वायर कितना होगा, 0.0001, एक्स क्यूब कितना होगा, 0.0000001, जो भी होगा इस तरह का। तो ये जीरो लगभग, क्योंकि एक्स वेरी वेरी लेस देन वन है, तो वन प्लस थ्री एक्स लिख सकते हैं। ये इस तरह सॉल्व किया जाता है, तो सॉल्व किया जाता है, तो हम लोग एक फॉर्मूला ही निकाल लेते हैं सीधा, वन प्लस एक्स पे पावर एन इक्वल टू वन प्लस एन एक्स, वन प्लस एक्स पे पावर माइनस एन, तो वन माइनस एन एक्स पावर मल्टीप्लाई करना है, वन प्लस इस बार माइनस ले लो, वन माइनस एक्स पे पावर एन, तो वन माइनस एन एक्स, वन माइनस एक्स पे पावर माइनस एन, तो माइनस एन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एन एक्स। ये चीज़ें पर एक्स वेरी वेरी लेस देन वन, देखो कोई दिक्कत है, यहाँ पे वही हो रहा है ना कि पावर मल्टीप्लाई हो जा रहा है, यहाँ पावर थ्री जो था वो मल्टीप्लाई हो गया डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो अप्रोक्सीमेशन में और भी होता है कुछ, साइन का वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू थीटा ले लेते हैं, जब थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब थीटा अगर जीरो के बराबर होगा तो साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो, मतलब जीरो, थीटा जीरो के बराबर है तो जीरो होगा तो थीटा ही हो जाएगा, थीटा जीरो है। फिर कॉस थीटा इक्वल टू वन होता है, थीटा बहुत जीरो है तो कॉस जीरो वन। फिर टेन थीटा थीटा हो जाता है, थीटा बहुत छोटा रहेगा। तो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो क्वेश्चन क्या है कि 1000 या ऐसा नहीं क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन है 1001 पे पावर 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 प्लस 1 पे पावर 1/3 लिखेंगे, और 1000 कॉमन लेंगे बाहर तो बचेगा 1 प्लस 1/1000 पे पावर 1/3। तो ये हो गया 1000 पे पावर 1/3 और 1 प्लस 0.001 पे पावर 1/3। तो ये हो गया 10 पे पावर 1000 पे पावर 1/3, तो 10 पे पावर 3 10 आ जाएगा, और 1 प्लस 1/3 इंटू 0.001। अब इसे सॉल्व कर लेंगे आसानी से, हो जाएगा सॉल्व। सिमिलरली एक क्वेश्चन और कर लें, उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, इसे सॉल्व करके बताएं कितना आ रहा है। एक क्वेश्चन में कह दिया है 999 पे पावर 1/3, तो सिंपल है ये भी, क्या सिंपल है, 1000 में माइनस कर दो 1 और 1/3, और फिर 1000 बाहर निकालो, 1/1000 पे पावर 1/3, तो 1000 पे पावर 1/3 और 1 माइनस, इसे कह सकते हैं 0.001 पे पावर 1/3। तो ये वैल्यू हो जाएगा 10 और 1 माइनस 1/3 इंटू 0.001, ये वैल्यू हो गया। तो ये वैल्यू भी आप निकालेंगे कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन का एक क्वेश्चन कर लें, फिजिक्स में कैसा यूज होता है, एक नया सा चीज़ क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि ग्रेविटी जो होता है ना वो जी होता है अर्थ सरफेस पे,
लेकिन कुछ हाइट पे अगर निकालेंगे तो दिया हुआ है जी आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कह रहा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालें, कैसे निकालेंगे? तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करें? तो जी आर स्क्वायर बाय, इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो जी एच इक्वल टू, जी क्या है ना, कहाँ पर है? अर्थ सरफेस पे, ऑन अर्थ सरफेस। क्या है? ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है। और एच बहुत बहुत छोटा है आर से, इतना दिया हुआ है। मतलब ये है कि जी आर स्क्वायर, और यहाँ से हम आर कॉमन ले लिए, तो आर कॉमन लेने के बाद वन प्लस एच बाय आर बचेगा ना, तो ये हो जाएगा जी आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और वन प्लस एच बाय आर, वन प्लस एच बाय आर पे पावर टू, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, जी और ये ऊपर चला जाएगा वन प्लस एच बाय आर का स्क्वायर, और एच बहुत छोटा छोटा है आर से, वेरी वेरी लेस देन आर, तो एच बाय आर वेरी वेरी लेस देन वन होगा ना, और उस कंडीशन में क्या हो जाता है? ये माइनस टू होगा पावर। तो इस कंडीशन में जी एच इक्वल टू जी वन माइनस एच बाय आर, ये हो जाएगा आंसर, टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी माइनस टू मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें जानना है था। अप्रोक्सीमेशन का यूज होता है और आगे भी होगा, फिजिक्स में बहुत होगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो अब आगे जाएंगे, कुछ चीज़ें हैं जैसे कोऑर्डिनेट्स, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक का करेंगे, तो कोऑर्डिनेट्स जाते हैं पहले। तो कोऑर्डिनेट्स और उसका ज्योमेट्री भी देखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिख देता हूँ, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमें ये पता है ना कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस हो जाता है नीचे, इधर प्लस प्लस होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, है ना, फर्स्ट सेकंड में, फिर थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट में प्लस प्लस क्योंकि एक्स इधर प्लस होता है, इधर भी प्लस होता है, तो दोनों के बीच प्लस प्लस, इधर एक्स माइनस, तो पहले वाला माइनस एक्स और इधर प्लस, इधर माइनस माइनस और इधर माइनस माइनस, और इधर एक्स प्लस होगा और वाई माइनस होगा, ठीक है, ये वैल्यू होता है कोऑर्डिनेट में। अच्छा, फिर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखना है, है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन क्या होगा? तो स्ट्रेट लाइन के लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते हैं। तो और भी आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन हुआ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। एक पैराबोला होता है, ये सब मैं बाद में कराऊंगा, पैराबोला ऐसा, ये हुआ पैराबोला, ये हुआ पैराबोला। इक्वेशन क्या होगा इसका? वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए, मतलब वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर हो सकता है, या वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी हो सकता है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर बी, ये हो गया आपका। एक होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बोला तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये
ये हुआ रेक्टेंगुलर हाइपरबोल का ग्राफ ऐसा होता है। जैसे जैसे वाई घटेगा ना एक्स बढ़ेगा, या एक्स घटेगा तो वाई बढ़ेगा, एक्स ऐसा वाई इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट बाय एक्स, वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स को, ठीक है। और फिर सर्कल और एलिप्स, एक सर्कल का देख लीजिए, सर्कल सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, ये रेडियस आर है तो सीधा यहाँ पे कर सकते हैं, ये एक्स ये हाइट वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और अगर सर्कल इधर कहीं हो, इसका सेंटर एक्स और वाई पर हो, सेंटर एक्स और वाई पर हो, रेडियस आर हो, तो इक्वेशन बन जाता है एक्स माइनस, इसे एक्स वन कर लो वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, रेडियस आर, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा ये सर्कल। तो सर्कल को हम लिख सकते हैं ना ऐसा, एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू वन, आर को इधर डिवाइड कर दिए, तो एलिप्स भी वैसा ही हो जाता है। एलिप्स, एलिप्स का इक्वेशन कैसा होगा, ये है एलिप्स, ठीक है, ये बी है और ये ए है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो इक्वेशन बन जाएगा ना सर्कल का जैसे ना वैसे ही, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू वन, क्योंकि यहाँ पे दोनों आर आर बराबर था इसीलिए ये ऐसा इक्वेशन बन जाता है। यहाँ पर एक्स में भी आर था, वाई में भी आर है, यहाँ पर वैसा नहीं है, एक्स में ए है और वाई में बी है, इसलिए ऐसा इक्वेशन होता है, ठीक है। और आप लोग को पता ही होगा एरिया, सर्कल का एरिया एलिप्स का एरिया, सर्कल का एरिया होता है ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर है ना, और इसका एरिया होता है ए इक्वल टू पाई ए इंटू बी, ए बी बराबर है सर्कल में, इसीलिए ए बी कितना है यहाँ पर आर के बराबर, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे आर स्क्वायर, ए और बी, ए और बी दोनों आर है। तो ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग को याद रखना होगा हमेशा, सिलेंडर का एरिया कितना होता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया, टोटल एरिया, वॉल्यूम, सिलेंडर का एरिया, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे आपको सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, वॉल्यूम आर, हाइट एच, ये हो जाता है एल, यहाँ पे हाइट एच, रेडियस आर, स्फेयर हो गया, स्फेयर का रेडियस आर, इसका भी एरिया, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ठीक है, तो एक और यहाँ पे था ना स्ट्रेट लाइन वाला, ये सब चीज़ें हम आगे भी करेंगे। स्ट्रेट लाइन का एक और इक्वेशन मैं बताया था कि यहाँ अगर ये मान लेते हैं एक्स वन वाई वन है और ये एक्स टू वाई टू है और हमें इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, तो किसी भी पॉइंट को एक्स वाई मान सकते हैं और इक्वेशन लिखना है तो इक्वेशन लिखेंगे ऐसे, y माइनस वाई वन बाय वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, ये लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये सब चीज़ें, ये सब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, यही है स्लोप एम के वाई टू वाई वन, ठीक है। तो रहने देता हूँ इतना ही, थैंक यू। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर कैलकुलस में इंटीग्रेशन डिफरेंसेस, ओके, थैंक यू।